Welcome students. In this video, we would discuss about Piaget's cognitive development theory. इस थ्योरी का साइकोलॉजी और एजुकेशन दोनों ही फील्ड में काफी इंपॉर्टेंस है. इस थ्योरी से कॉग्निटिव स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को काफी बल मिलता है. इसके पहले आप बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरीज पढ़ चुके हैं. इसके अंतर्गत आपने पेवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग और स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ा. बिहेवियरिज्म में मेन फोकस स्टिमुलस और रेस्पॉन्सेस पर था, मगर स्टिमुलस और रेस्पॉन्सेस के बीच ह्यूमन माइंड में प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन भी होता है. बिहेवियरिज्म इसके बारे में कुछ नहीं कहता. कॉग्निटिव साइकोलॉजी इस पर विचार करता है. जैसा कि आप जानते हैं, कॉग्निशन मतलब द मेंटल और इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस लाइक परसेप्शन, मेमोरी, प्लानिंग, रीजनिंग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटसेट्रा. प्याजे ने अपने थ्योरी में बड़े ही इलैबोरेटेड वे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझाया है कि कैसे बच्चे जो केवल कुछ रिफ्लेक्सेस के साथ जन्म लेते हैं, बड़े होते होते हायर मेंटल एबिलिटीज शो करने लगते हैं. तो चलिए इस थ्योरी को हम समझने का प्रयास करते हैं. इस वीडियो के कंटेंट्स हैं इंट्रोडक्शन, प्याजेस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस एंड इट्स क्रिटिसिज्म. प्याजे का पूरा नाम जीन प्याजे था. उनका जन्म 9 अगस्त 1896 में नोकेटाल स्विट्जरलैंड में हुआ था. उनकी मृत्यु 16 सितंबर 1980 में जिनेवा में हुई. उनकी पहचान एक बायोलॉजिस्ट, एपिस्टेमोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, कॉग्निटिविस्ट और कंस्ट्रक्टिविस्ट के रूप में है. उन्होंने बायोलॉजी में पीएचडी की डिग्री हासिल की और साथ ही फिलॉसफी की भी पढ़ाई की. एपिस्टेमोलॉजी फिलॉसफी का ही ब्रांच है जो मेनली नेचर ऑफ नॉलेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज से डील करता है. 1920 में वे बिनेट्स टेस्टिंग लेबोरेटरी से जुड़े और उन्हें साइकोलॉजिस्ट बिनेट और साइमन के साथ काम करने का मौका मिला. आपको याद होगा बिनेट और साइमन के ने ही पहला इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप किया था. प्याजे बच्चों के इंटेलिजेंस टेस्ट का फ्रेंच वर्जन तैयार करने में मदद कर रहे थे. काम के दौरान उन्होंने पाया कि बच्चे कुछ खास एज ग्रुप के बच्चे कई गलत जवाब देते, जबकि बड़े बच्चों में ऐसा नहीं था. यही से उन्हें चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट में रिसर्च करने की प्रेरणा मिली. उन्होंने अपने इनिशियल स्टडीज अपने 3 बच्चों पर ही की. उनका मानना था चिल्ड्रन आर नो लेस इंटेलिजेंट देन एडल्ट्स, ओनली दे थिंक डिफरेंटली, दे आर एक्टिव लर्नर्स एंड देयर इंटेलिजेंस डेवलप्स एज दे मैच्योर बायोलॉजिकली एंड गेन्स फ्रॉम एक्सपीरियंसेस. अपने इन्हीं स्टडीज के कारण उन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहते हैं. क्योंकि वे एक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे, उनका फोकस कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज पर हमेशा रहा. बायोलॉजिकल मैच्योरेशन पर बल देने के कारण उन्हें जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट के रूप में जाना जाता है. प्याजे की थ्योरी से कंस्ट्रक्टिविज्म को भी बल मिलता है. उनका मानना था कि कोई भी इंफॉर्मेशन हम उसी रूप में ग्रहण नहीं करते जिस रूप में एनवायरनमेंट हमें प्रदान करती है, बल्कि हम उसे अपने एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंसेस के साथ तुलना करते हैं और उसे अर्थ प्रदान करते हैं, और इसी तरह हम न्यू नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं. इसका मतलब है हर इंसान अपने तरीके से नॉलेज कंस्ट्रक्शन करता है और रियलिटी को समझने का प्रयास करता है. इसे ही रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं. Radical constructivism argues that individual learner is the constructor of the knowledge and forms subjective meaning based upon their experiences. The knowledge we create tells us nothing about reality.
इट हेल्प्स अस टू फंक्शन सक्सेसफुली। पियाजे ने ह्यूमन माइंड को समझने के लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क प्रपोज किया। उन्होंने ह्यूमन माइंड के तीन एस्पेक्ट्स पर बात की, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, कॉग्निटिव फंक्शनिंग और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को उन्होंने स्कीमा की मदद से समझाया। कॉग्निटिव फंक्शनिंग को समझने के लिए उन्होंने तीन कॉन्सेप्ट्स दिए, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत उन्होंने चार स्टेजेस की व्याख्या की। तो चलिए हम एक एक कर इन सब कॉन्सेप्ट्स को समझने का प्रयास करते हैं। पहला है स्कीमा। पियाजे के अनुसार स्कीमा आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज। किसी भी ऑब्जेक्ट या इवेंट को लेकर हमारे मस्तिष्क में जो मेंटल पिक्चर या इमेज होता है उसे ही स्कीमा कहते हैं। अ मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ प्री कंसीव्ड आइडियाज, अ फ्रेमवर्क रिप्रेजेंटिंग सम एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड और अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड परसीविंग न्यू इंफॉर्मेशन। जन्म के समय एक बच्चे के पास केवल कुछ रिफ्लेक्सेस और इंस्टिंक्ट होते हैं। रिफ्लेक्सेस का मतलब ऐसे एक्शन से है जो हम बिना सोचे समझे इनवॉलंटरीली करते हैं, जैसे आंखों का झपकाना, गर्म चीज छूने पर हाथ हटा लेना आदि। ह्यूमन बींग्स के इनबॉर्न रिफ्लेक्स होते हैं सकिंग, ग्रेस्पिंग, लुकिंग एटसेट्रा। यही हमारे प्राइमरी स्कीमा का काम करते हैं। पियाजे के अनुसार जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्शन के कारण डिफरेंट स्कीमास बनाते चले जाते हैं। कॉग्निटिव फंक्शनिंग को समझने के लिए हम उनके द्वारा प्रपोज किए हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इज द प्रोसेस इन विच न्यू इंफॉर्मेशन इज फिटेड इनटू द प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, बच्चे का इनबॉर्न स्कीमा है सकिंग। वो इसी स्कीमा की मदद से दूसरी चीजों को समझने का प्रयास करता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे अपनी उंगली या किसी भी चीज को मुंह में आसानी से ले लेते हैं। ये एसिमिलेशन का ही उदाहरण है, यानी नए इंफॉर्मेशन को प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा में फिट करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट इज एकोमोडेशन। मान लीजिए एक बच्चे को एक बड़ी सी बॉल दे दी जाए तो वो क्या करेगा? बॉल को वो मुंह में नहीं ले पाएगा, इसीलिए यहाँ सकिंग स्कीमा से काम नहीं चलेगा। उसे कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे पुशिंग, किकिंग एटसेट्रा। क्रिएशन ऑफ न्यू स्कीमा ही एकोमोडेशन है। इन एकोमोडेशन अ चाइल्ड आइदर modifies an existing schema or forms an entirely new schema to deal with a new object or event. The next concept is equilibration. पियाजे के अनुसार हर प्राणी में एक innate और continuous drive होती है कि वो अपने और अपने environment के बीच एक harmonious relationship कायम कर सके। किसी भी organism का environment हमेशा बदलता रहता है। जब भी कोई न्यू या अनफेमिलियर सिचुएशन होती है तो वो प्राणी के लिए एक कंफ्यूजन या कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति होती है। पियाजे ने इसे स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम कहा, यानी सिचुएशन और समझ में एक इम्बैलेंस पैदा होता है। तब वो एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और ऑर्गेनाइजेशन की मदद से अपने इन कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करता है और स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में पहुंचता है। डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम तक आने के प्रोसेस को इक्विलिब्रेशन कहते हैं। चलिए इसे समझने का एक एग्जांपल की मदद से इसे समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक बच्चा पहली बार कैट देखता है और उसे म्याव म्याव करते सुनता है। उसकी माँ इस जानवर को कैट कहती है, तो बच्चा अपने दिमाग में कैट के लिए एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर या स्कीमा तैयार करेगा।
कैट मतलब म्याओ म्याओ, चार पैर और एक पूंछ। नेक्स्ट टाइम जब वो एक काली बिल्ली देखता है तो उसके लिए ये एक कंफ्यूजन या डिसइक्विलिब्रियम की स्थिति होगी, क्योंकि इसमें कलर डिफरेंस पाया जाता है। बच्चा अपने पुराने स्कीमा से मैच करेगा और पाएगा कि ये भी म्याओ म्याओ करती है, इसके भी चार पैर हैं और एक पूंछ है। अपने पुराने स्कीमा से उसने नई इंफॉर्मेशन को फिट कर लिया, यहां एसिमिलेशन हुआ। सपोज नेक्स्ट टाइम वो एक कुत्ते को देखता है और हो सकता है वो इस जानवर को कैट कहे, बड़ों से सुनेगा कि इसे डॉग कहते हैं। वो अपने स्कीमा से मैच करेगा और पाएगा कि सब कुछ तो ठीक है, मगर बस म्याओ म्याओ की जगह ये भौं भौं करता है। वो बच्चा डॉग के लिए एक नया स्कीमा तैयार करेगा, इसे एकोमोडेशन कहते हैं, और अपने दिमाग में ये इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करेगा कि चार पैर वाले जानवर जो म्याओ म्याओ करते हैं उन्हें कैट कहते हैं, और जो भौं भौं करते हैं उन्हें डॉग कहते हैं। इसी तरह बच्चे दिन प्रतिदिन नई चीजें सीखते चले जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन से हम कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू नॉलेज करते हैं, जिसमें एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और ऑर्गेनाइजेशन हमारी मदद करते हैं। आज कोरोना पैंडेमिक के कारण जो लॉकडाउन की सिचुएशन है, ये भी एक स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम है। एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट करने के लिए हम सब कुछ न कुछ सीख रहे हैं, खासकर हाइजीन हैबिट्स और आईसीटी स्किल्स। यही पियाजे का कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है। अपने बायोलॉजिकल बैकग्राउंड के कारण पियाजी ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बायोलॉजिकल मैच्यूरेशन के साथ कनेक्ट किया। उनका मानना था बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक ऑर्डर में होता है, जिसे हम स्टेज में बांट सकते हैं। हर बच्चा इन स्टेजेस से गुजरता है, हालांकि कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एक इंडिविजुअल फिनोमेना है, इसीलिए बच्चों में कॉग्निटिव एबिलिटीज में भिन्नता पाई जाती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए उन्होंने चार स्टेजेस प्रपोज किए। पहला सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 years, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 years, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 years एंड फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 11 ऑनवर्ड्स। पहला स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 years। पियाजी के अनुसार पहले 2 सालों में बच्चों का डेवलपमेंट काफी रैपिड होता है। कुछ ही हफ्तों में कई चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि बच्चों में भाषा का विकास नहीं हुआ होता है, इसलिए एनवायरनमेंट के साथ उनका इंटरैक्शन पूरी तरह सेंसरी और मोटर एक्शंस पर डिपेंड करता है। इस स्टेज को उन्होंने फर्दर 6 सब स्टेजेस में बांटा। पहला है सिंपल रिफ्लेक्सेस, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, कोऑर्डिनेशन फेज, टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन एंड अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट्स। पहला सब स्टेज है सिंपल रिफ्लेक्सेस 0 to 1 month। इसमें बच्चे केवल इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस शो करते हैं, जैसे सकिंग, लुकिंग, ग्रास्पिंग, क्राइंग एटसेट्रा। नेक्स्ट सब स्टेज है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन 1 to 4 months। इसमें बच्चों का मेन फोकस अपने शरीर के आसपास ही होता है, इसीलिए इसे प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस फेज कहते हैं। इसमें बाय चांस हुए एक्शन को बच्चे रिपीट करते हैं, जैसे अंगूठा चूसना, हाथ पांव को अपने चेहरे के आसपास हिलाते रहना एटसेट्रा। थर्ड
थर्ड सब स्टेज इज सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस 4 to 8 months. इसमें बच्चों के आई हैंड कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाते हैं. बच्चे ये समझने लगते हैं कि आसपास की चीजें उनके शरीर का हिस्सा नहीं है, इसीलिए इसे सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन फेज कहते हैं. एक्शन और रिजल्ट्स के कनेक्शन को वे समझने लगते हैं, इसीलिए जानबूझकर कुछ एक्शंस रिपीट करते हैं, जैसे अपने रैटल खिलौने को बार बार हिलाना या ये समझ जाना कि रोने पर कोई ना कोई पास जरूर आएगा आदि. नेक्स्ट सब स्टेज इज कोऑर्डिनेशन ऑफ सर्कुलर रिएक्शंस 8 to 12 months. इस स्टेज में हैंड और आई कोऑर्डिनेशन और बेहतर हो जाता है. बच्चे समझने लगते हैं कि आसपास की चीजों के कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज होते हैं. इस स्टेज का एक रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक है ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी होल्डिंग एन इमेज इन देयर माइंड इवन इफ इट इज आउट ऑफ साइट. अगर कोई बच्चा किसी खिलौने से खेलता है और उससे वो खिलौना लेकर आप छुपा देते हैं तो वो उसे खोजने लगता है. इसे ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं, यानी उसके दिमाग में उसकी छवि बनी रहती है. इसके पहले के स्टेज में ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई नहीं देता. चीजों को छुपा देने पर वो उसे भूल जाते हैं. इस स्टेज में उनके एक्शंस गोल ओरिएंटेड होते हैं और इसी कारण वे चलने की कोशिश भी करते हैं. नेक्स्ट सब स्टेज इज टर्शियरी रिएक्शन 12 to 18 months. प्याजे के अनुसार इस स्टेज में बच्चे यंग साइंटिस्ट की तरह होते हैं. अपने एनवायरनमेंट को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं. इसी उम्र के बच्चे अक्सर खिलौनों को जानबूझकर पटकते या तोड़ते हैं ताकि वे देख सकें कि अंदर क्या है. अपने गोल तक पहुंचने के लिए वे नए नए उपाय करते हैं. And the final sub-stage is mental representation of thoughts. 2 साल का होते होते बच्चे mental representation या symbol बनाने लगते हैं. Simple problems भी solve कर लेते हैं, जैसे अगर उनकी toy car दीवार के पास जाकर रुक जाती है तो वे उसका direction मोड़ देते हैं. इसी स्टेज में डेफर्ड इमिटेशन भी देखने को मिलता है, यानी ऐसा इमिटेशन जो वे बाद में शो करते हैं. चलिए अब दूसरे स्टेज की ओर बढ़ते हैं. द सेकेंड स्टेज इज प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 years. इस स्टेज में बच्चों का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अधिक डेवलप हो जाता है. बच्चों में भाषा का विकास होता है. इसे भी 2 sub-stages में बांटा जा सकता है, प्री कंसेप्चुअल फेज एंड इंट्यूटिव फेज. प्री कंसेप्चुअल स्टेज 2 to 4 years. इसमें बच्चे पहचानने और कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में काफी गलतियां करते हैं, जैसे सभी लेडीज को मम्मी कहते हैं या सभी जेंट्स को पापा कह सकते हैं. इनकी रीजनिंग ना इंडक्टिव होती है ना डिडक्टिव, बल्कि ट्रांसडक्टिव होती है, यानी 2 unrelated चीजों को वो जोड़ देते हैं. जैसे अगर पावर कट होता है और उसी समय कुकर की सीटी बजती है तो वो कह सकते हैं कि कुकर के कारण पावर कट हो गया. वे काफी इमेजिनेटिव भी होते हैं, जैसे अपने इरेजर या पेंसिल बॉक्स को वो कार बनाकर खेलने लगते हैं. इनमें इगोसेंट्रिज्म भी देखने को मिलता है. इसका अर्थ है बच्चे दुनिया को अपने नजरिए के अलावा दूसरे के नजरिए से देखने में असमर्थ होते हैं. उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होता कि अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं. जैसे अगर उन्हें बारिश पसंद है तो समझेंगे सभी को बारिश पसंद होती है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज एनिमिज्म. बच्चे सोचते हैं कि ऑब्जेक्ट में भी जान होता है,
इसीलिए वे अपने डॉल्स या टेडी बियर्स को खाना खिलाते हैं, सुलाते हैं या उनके ड्रेस चेंज करते हैं। वे उनसे अक्सर बातें भी करते हैं। इसी स्टेज में बच्चों में आर्टिफिशियलिज्म भी पाया जाता है। इसका अर्थ है बच्चे ये सोचते हैं कि एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स इंसानों के कारण ही होते हैं, जैसे चांद तारे बहुत सारे बल्ब हैं, या बादलों को कोई फैन चलाकर उड़ा ले जाता है, या बारिश का मतलब है ऊपर से कोई पानी गिरा रहा हो। नेक्स्ट इज इंट्यूटिव स्टेज, 4 to 7 years। इसमें बच्चे कई चीजों जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनिमल्स, बर्ड्स आदि का कॉन्सेप्ट समझने लगते हैं। उनमें इरिवर्सिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है, यानी किसी भी इवेंट का उल्टा सोच पाने में वे असमर्थ होते हैं। जैसे बच्चे ये तो समझ जाएंगे कि पानी गर्म होने पर वेपर बन जाता है, मगर ये नहीं समझ पाएंगे कि वेपर ठंडा होकर पानी बनता है। वे 2 + 3 = 5 समझ जाएंगे, मगर 5 = 2 + 3 नहीं समझेंगे। उनमें सेंट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स भी पाया जाता है, यानी बच्चे किसी भी चीज के एक ही एस्पेक्ट पर फोकस करते हैं। जैसे अगर एक ही बिस्किट के दो टुकड़े करके आप उन्हें देंगे तो वो समझेंगे कि उन्हें ज्यादा बिस्किट मिल गया है। द थर्ड स्टेज इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 to 11 years। इस स्टेज में बच्चों की सोच और लॉजिकल और सिस्टमैटिक हो जाती है। चीजों के बीच वे रिलेशनशिप्स को समझने लगते हैं। बच्चे कॉन्क्रीट चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं, मगर एब्स्ट्रैक्ट चीजों को में कठिनाई अनुभव करते हैं। बच्चा अब इगोसेंट्रिक नहीं रहता, अब समझने लगता है कि उसे मैगी पसंद है तो जरूरी नहीं कि सभी को पसंद हो। उसमें रिवर्सिबिलिटी भी डेवलप होती है, यानी वो किसी भी इवेंट का रिवर्स सोच पाता है। उनमें सीरियलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करता है, यानी बच्चा अब चीजों को किसी ऑर्डर में अरेंज कर पाते हैं, जैसे नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, ऑब्जेक्ट्स को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में अरेंज करना आदि। क्लासिफिकेशन, बच्चे अब चीजों को बेहतर ढंग से क्लासिफाई कर पाते हैं। क्लास इंक्लूजन, यानी उन्हें ये समझ विकसित होती है कि किस प्रकार एक ग्रुप दूसरे ग्रुप में इंक्लूडेड होता है। जैसे 4-legged एनिमल्स या बर्ड्स और इंसेक्ट सब एनिमल ग्रुप को ही बिलोंग करते हैं। डिसेंट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक, अब बच्चे एक से ज्यादा एस्पेक्ट पर ध्यान देने लगते हैं, इसी कारण वो कंजर्वेशन को भी समझने लगते हैं। कंजर्वेशन मीन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, नंबर, वॉल्यूम एक्सेट्रा। इसके पहले के स्टेज में इस कंजर्वेशन कैरेक्टरिस्टिक्स की कमी होती है। नीचे दिए गए एग्जाम्पल में वे उलझ जाते हैं। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं कि दो लाइंस में इक्वल नंबर ऑफ बटन्स हैं। अगर एक लाइन के बटन को हम दूर दूर प्लेस करके बच्चे से पूछेंगे कि किस में ज्यादा बटन है, तो वो नीचे के अरेंजमेंट को चुनेगा। इसी तरह अगर इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर में से एक को पतले कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया जाए और उनसे पूछा जाए कि किस में पानी ज्यादा है, तो उसका जवाब होगा पतले कंटेनर में। इस स्टेज में बच्चे ये समझने लगते हैं कि सिर्फ अरेंजमेंट या अपीयरेंस चेंज करने पर मास, नंबर या वॉल्यूम नहीं बदलते। The final stage is formal operational stage,
11 ईयर्स ऑनवर्ड। इस स्टेज में बच्चे एब्स्ट्रैक्शन की बातों को अच्छी तरह समझने लगते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जैसे ट्रुथ, जस्टिस, लव आदि के बारे में उनकी अपनी राय होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए वे ट्रायल एंड एरर मेथड पर नहीं बल्कि सिस्टमैटिक रीजनिंग पर बिलीव करते हैं। वे डिफरेंट हाइपोथेसिस बनाने में सक्षम होते हैं। अब जब आप पियाजे के थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के तीनों कॉन्सेप्ट्स यानी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, कॉग्निटिव फंक्शनिंग और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं इनका एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। पियाजे के अनुसार टीचर और पेरेंट्स दोनों को बच्चे के डेवलपमेंटल स्टेज को ध्यान में रखते हुए एजुकेशनल एक्टिविटीज प्लान करने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके एक्सपीरियंसेस बदलने चाहिए। उन्होंने बच्चों के लिए प्लेवे और एक्टिविटी बेस्ड इंस्ट्रक्शन पर जोर दिया। उन्होंने बुकिस नॉलेज की जगह डिस्कवरी लर्निंग की बात की। वे कहते थे, व्हेन यू टीच अ चाइल्ड समथिंग यू टेक अवे फॉरएवर हिज चांस ऑफ डिस्कवरिंग इट फॉर हिमसेल्फ। उन्होंने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए टीचर्स द्वारा ऐसे सिचुएशन क्रिएट करने की बात की जिससे बच्चा डिसइक्विलिब्रियम फेस करे और स्वयं नॉलेज कंस्ट्रक्ट करे। उन्होंने एनवायरनमेंट के साथ फिजिकल और सोशल इंटरेक्शन बढ़ाने की भी बात की। हालांकि इस थ्योरी के एजुकेशनल फील्ड में बहुत स्थान है, मगर इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं। पियाजे ने अपने स्टडीज मेनली यूरोपियन बच्चों पर की। पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जिन स्टेजेस की बात की, वे उतने यूनिफॉर्म या यूनिवर्सल नहीं पाए गए। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि पियाजे ने बायोलॉजिकल मैच्युरेशन पर अधिक बल दिया और सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स को इग्नोर किया। इस तरह हमने पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, उनके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस और क्रिटिसिज्म पर बात की। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। लेट्स एंड दिस वीडियो विद वन ऑफ द फेमस कोट्स ऑफ जीन पियाजे। द प्रिंसिपल गोल ऑफ एजुकेशन इज टू क्रिएट मैन हु आर कैपेबल ऑफ डूइंग न्यू थिंग्स, नॉट सिंपली ऑफ रिपीटिंग व्हाट अदर जनरेशन हैव डन। Men who are creative, inventive, and discoverers. Thank you.